हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें एक बहुत ही बढ़िया सस्पेंस भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की और उसकी मदर को कार में देखते हैं जो वहीं जा रहे होते हैं। लड़के का नाम शिजुको होता है। फिर वो एक बोर्डिंग स्कूल पहुंचते हैं जहां पर शिजुको की मदर ने उसके एडमिशन करवाई थी ताकि वो शिजुको के डैड के साथ टोक्यो जा सके। स्कूल में न्यू गर्ल को देखकर सभी लड़कियां बहुत खुश हो गई थी। क्लास शुरू होने से पहले शिजुको की काउंसलर उसे स्कूल ड्रेस देती है और उसकी सारी पर्सनल चीजें उसके सूट केस से निकाल देती है। पर शिजुको उसे पूछती है कि क्या वो अपनी डायरी रख सकती है, तो काउंसलर उसे मना करते ही थप्पड़ मारती है। ड्रेस चेंज करने के बाद एक लड़की शिजुको को सारे रूल समझाती है और उस लड़की का नाम काजुई होता है। क्लास में शिजुको बाकी स्टूडेंट्स से मिलती है जिसमें एक का नाम किहारा था। वो शिजुको को बताती है कि हम ये एम्ब्रॉयडरी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बाकी स्कूल से ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकें और हम टोक्यो जा सकें। असल में स्कूल ने सभी स्टूडेंट्स से कहा था कि जो भी दो स्टूडेंट्स सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उन्हें टोक्यो भेजा जाएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग सभी लड़कियां कैंडी खाकर सोने जाती हैं। हेड मिस्ट्रेस के जाने के बाद सब एक जगह इकट्ठी होती हैं, तो उनमें से एक लड़की जिसका नाम युका है वो शिजुको को बुली करती है और शिजुको के मुँह से खून निकलने लगता है। उसी समय काजुई वहाँ आकर शिजुको को बचा लेती है। मुंह से ब्लड निकलने की बात शिजुको हेड मिस्ट्रेस को बताती है और वो शिजुको से कहती है कि हम सिर्फ फिजिकली फिट स्टूडेंट्स को ही टोक्यो भेजते हैं और उसे हर मॉर्निंग एक मेडिसिन लेने को कहती है। हेड मिस्ट्रेस के कहने पर शिजुको वो मेडिसिन लेती है। रूम के बाहर आते ही उसे वहाँ किहारा मिलती है जो उसे कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया क्योंकि तुम्हारा नेम सेम है। और वो उसे पूरी बात बताती है कि यहाँ पर एक और लड़की थी जिसका नाम शिजुको था। वो युका और काजुई तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थी, पर पुरानी शिजुको की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण वो अपने घर वापस चली गई। किहारा की बातें सुनकर शिजुको घबरा गई थी, पर काजुई को लगता है कि वो अपनी डायरी की वजह से परेशान है। नेक्स्ट सीन में काजुई शिजुको को एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है और उसे एक डायरी भी देती है। ये दोनों एक दूसरे को अपना रियल नेम बताते हैं जिसमें शिजुको का नाम जुरान है और काजुई का नाम जोनडो। इसलिए अब से मैं प्रेजेंट की शिजुको को उसके असली नाम जुरान से बुलाऊंगी ताकि हमें पास्ट और प्रेजेंट की शिजुको में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो जुरान उसे बताती है कि उसे ये डिसीज उसकी मॉम से मिली है। तो काजुई उसे पूछती है कि तुम्हारी मॉम तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। तो जुरान उसे बताती है कि ये उसकी रियल मॉम नहीं है और उनकी डेथ हो चुकी है। स्पोर्ट्स में युका और काजुई बहुत ही अच्छी थी, पर फिजिकली वीक होने के कारण जुरान जंप नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे सभी गर्ल्स को लंच से पहले एक टैबलेट दी जाती है और उसके बाद वो लंच करना शुरू करती हैं। लंच करते टाइम जुरान किहारा से शिजुको के बारे में पूछती है, पर किहारा उस पर अटैक कर देती है और उसका गला घोटने लगती है। तो काजुई उसे धक्का देकर जुरान को बचा लेती है और किहारा के मुंह से झाग निकलने लगता है। इस इंसिडेंट से जुरान की तबीयत और खराब हो जाती है और उसके मुंह से दोबारा खून निकलने लगता है। हर रोज की तरह वो अपनी मेडिसिन लेती है और खिड़की के बाहर काजुई को देखती है। तभी वहाँ किहारा आ जाती है तो जुरान उससे उसका हालचाल पूछती है। तो किहारा कहती है कि क्यों, मुझे क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो जुरान उसे सॉरी कहती है, पर किहारा को कुछ याद ही नहीं होता। काजुई को देखकर किहारा कहती है कि उसे पता है कि वो दो स्टूडेंट्स काजुई और युका ही हैं जो टोक्यो जाएंगे। इस बात से जुरान बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो काजुई के साथ टोक्यो जाना चाहती थी। लॉन्ड्री का काम करते टाइम जुरान काजुई से पूछती है कि इस जंगल के पार क्या है। इस बात पे काजुई उसे कहती है कि उसने किसी से सुना है कि वहाँ पर एक समंदर है। तो जुरान उसे बताती है कि उसने कभी भी समंदर नहीं देखा। तो सीक्रेट रास्ते के थ्रू स्कूल से निकलकर काजुई जुरान को समंदर दिखाने ले जाती है और वो दोनों एक लेक पर पहुँचती है जहाँ पर जुरान काजुई से पूछती है कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो। तो काजुई उसे बताती है कि तुम बहुत ही वीक और वियर्ड हो इसलिए। इस बार इतना भागने के बाद भी जुरान मुंह से खून नहीं निकलता। इससे खुश होकर वो भाग कर काजुई को गले लगा लेती है और वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। इस बार जुरान स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी जंप करती है और इसका क्रेडिट वो काजुई को देती है। अब जुरान के लंग्स ठीक हो रहे थे और वो चीजों को अच्छी तरह स्मेल भी कर पा रही थी। वॉशरूम में जुरान की ड्रेस में किसी ने मरा हुआ बर्ड रख दिया था जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी युका वहाँ आकर उसे बहुत ही बुरा भला कहती है। दरअसल ये काम युका का ही था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काजुई और जुरान की फ्रेंडशिप हो। तो वही ड्रेस पहनकर जुरान क्लास में आती है और वो बर्ड को युका के टेबल पर रख देती है। मेडिसिन लेने के बाद जुरान अपने कमरे में जाती है और रूम में उसे एक लॉकेट मिलता है जिसे वो उठाने लगती है, पर नीचे से एक हाथ आकर उस लॉकेट को ले जाता है। तो वो बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, पर जुरान की साइड में एक लड़की थी जिसके हाथ और मुंह पर खून था। ये देखकर जुरान बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद रूम में वापस आकर जुरान बेड के नीचे फिर से चेक करती है तो उसे वहाँ कुछ लिक्विड मिलता है।
सुबह होते ही सभी लड़कियां किसी को ढूंढने लगती हैं। असल में वो गुची को ढूंढ रही थी जो उनमें से ही एक थी। क्लास में हेड मिस्ट्रेस सभी को बताती है कि कल रात एक गुची की मदर आकर उसे अपने साथ घर ले गई है। बेसमेंट में युका कजुई से कहती है कि उसने ये शिज़ुको को गिफ्ट दिया था और वो हमेशा इसे अपने पास रखती थी, पर वो ऐसे कैसे बिना बताए यहाँ से चली गई। तो कजुई वहाँ से जाने लगती है, पर युका उसका हाथ पकड़कर उसे पूछती है कि तुम शिज़ुको का नाम सुनकर ऐसे रिएक्ट क्यों करती हो और उसके बारे में क्यों कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि तुम्हें उसके बारे में ज़रूर कुछ पता है, क्या तुम कुछ छुपा रही हो। तो कजुई उसे कहती है कि सिर्फ तुम ही शिज़ुको को प्यार करती थी, वो नहीं। शायद इसीलिए वो बिना बताए यहाँ से चली गई। और तुम इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि वो जा चुकी है। रूम में जुनान कजुई को बताती है कि उसने कल एक गुची को बेड के नीचे देखा था और वो बहुत अजीब दिख रही थी। तो कजुई उसे कहती है कि शायद तुमने कोई सपना देखा होगा और पागलों जैसी बातें मत करो। मेडिसिन लेने के बाद जुनान को किहारा मिलती है और वो उसे गुची के पास ले जाती है जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। उसी समय किहारा को भी कुछ होने लगता है तो जुनान भागकर काउंसलर को बुलाती है, पर वापस आने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। ग्राउंड में जुनान कजुई से पूछती है कि तुम टोक्यो क्यों जाना चाहती हो। तो कजुई उसे बताती है कि वो अनाथ है और उसके पास रहने को कोई भी जगह नहीं थी और ये स्कूल फिजिकली फिट गर्ल्स को टोक्यो भेजता है, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। इसके बाद जुनान कजुई से कहती है कि वो भी उसके साथ टोक्यो जाना चाहती है, पर कजुई कोई भी जवाब नहीं देती। तो जुनान उसे कहती है कि शायद तुम मेरे साथ इसलिए अच्छी थी क्योंकि मेरा नाम भी शिज़ुको है। इसके बाद जुनान गुस्से में जंप लगाने भागती है और वो बहुत ही हाई जंप करती है जिसे देखकर कजुई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। तो जुनान उसे कहती है कि तुम्हें तो वैसे भी मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर्स को आते देख वो दोनों वॉशरूम में छुप जाती हैं, जहाँ पर जुनान कजुई से कहती है कि उसे बहुत ही अजीब लग रहा है और वो कजुई से हेल्प मांगती है। तभी कजुई को कुछ याद आता है और वो सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद यूरान हेड मिस्ट्रेस के पास जाकर उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, और वो उनसे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी पूछती है। क्लास में हेड मिस्ट्रेस स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यूरान को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। इस बात पर युका यूरान को बहुत मारती है क्योंकि वो टोक्यो जाना चाहती थी। तो यूरान युका का गला दबाने लगती है और अचानक होश में वापस आ जाती है और रोने लगती है। आवाजें सुनकर कजुई क्लास में वापस आ जाती है और यूरान उसे बताती है कि कुछ तो गलत है क्योंकि उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ये सुनकर कजुई को फ्लैशबैक्स आते हैं और वो यूरान से पूछने लगती है कि तुम कौन हो, पर टीचर्स आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। इंटरव्यू के नाम पर यूरान को एक चेयर पर लाइट के सामने बिठा दिया जाता है। उसके बाद हम यूरान को उसी सीक्रेट रूम में देखते हैं जहाँ पर कजुई भी आ जाती है और वो शिज़ुको के बारे में यूरान को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसे आखिरी बार वो यहीं पर मिली थी और उसे भी दर्द महसूस नहीं होता था और बहुत ही अजीब लगता था, और उसने कजुई से मदद भी मांगी थी, पर कजुई उसे उसी हालत में छोड़कर चली गई और वो दोबारा उसे यहाँ ढूंढने भी आई थी, पर शिज़ुको उसे नहीं मिली। और वो ये भी बताती है कि उसने स्कूल की बातों पर विश्वास करके हमेशा शिज़ुको को ही गलत समझा। इन सभी चीज़ों को याद करके कजुई बहुत रोती है। स्कूल के इस राज को जानने के लिए यूरान और कजुई हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस की तलाशी लेती हैं और वहाँ पर उन्हें एक गन और एक एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट मिलती है जिसमें लिखा था कि कैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को सुपर ह्यूमंस में बदला जाए ताकि उन्हें कोई भी दर्द फील ना हो और वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाए। उन्हें वहाँ पर एक फुटेज भी मिलती है जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स थे जिन पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस रिकॉर्डिंग में सभी जगह यूरान थी, जिसका मतलब है कि हेड मिस्ट्रेस और बाकी टीचर्स ने यूरान को इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया था, इसीलिए उसे कोई भी दर्द फील नहीं हो रहा था। ग्राउंड में युका एक पेड़ से कूदकर सुसाइड कर लेती है। इसी बीच यूरान और कजुई स्कूल से भाग जाती है जिसके बारे में हेड मिस्ट्रेस को पता चल जाता है। हेड मिस्ट्रेस केंजी को उन्हें पकड़ने भेजती है और उन्हें पकड़ने के लिए केंजी यूरान को शूट कर देता है, पर कजुई वहां से बचकर भाग जाती है। दूसरी तरफ हम युका को देखते हैं जिसकी जान बच गई थी। केंजी यूरान को स्कूल वापस ले आता है। थोड़ी देर बाद युका भी मर जाती है। हेड मिस्ट्रेस यूरान और बाकी सारी लड़कियों पर एक न्यू ड्रग एक्सपेरिमेंट करती है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। अब कजुई भी स्कूल वापस आ जाती है और हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस से गन उठा लेती है और यूरान के पास पहुंचती है, पर केंजी उसे बेहोश कर देता है। ऑफिस में हेड मिस्ट्रेस को पता चलता है कि केंजी और काउंसलर ने मिलकर उसे धोखा दिया है।
दूसरी तरफ केजोई को होश आता है और वो एक वाटर टैंक में बंद होती है। वो यूरान को काफी आवाजें देती है पर वो बेहोश होती है। मरने से पहले केजोई यूरान को आखिरी बार थैंक यू कहती है और उसके साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करती है। धीरे धीरे सारा टैंक पानी से भर जाता है। थोड़ी देर बाद यूरान को होश आ जाता है और वो उसी कमरे में शिजुको, किहारा, इगुची और युका की बॉडीज को देखती है। तभी उसका ध्यान दूसरे टैंक पर जाता है जिसमें केजोई थी और वो उसे देखकर बहुत रोती और चिल्लाती है। कॉरिडोर में हेड मिस्ट्रेस केंजी पर गोली चलाती है पर उसी समय यूरान दरवाजा तोड़कर वहां आ जाती है और वो उसी दरवाजे को उठाकर उन सब पर फेंक देती है। तो केंजी और उसके लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं पर वो केंजी को मार देती है। दूसरी तरफ काउंसलर बाकी लड़कियों के रूम में जाती है जहां पर वो सब उस पर अटैक कर देती है। एक्सपेरिमेंट रूम में यूरान हेड मिस्ट्रेस को बहुत मारती है और वो यूरान पर गोली चला देती है जो केजोई के टैंक को जाकर लगती है और वो टैंक टूट जाता है। इसी बार यूरान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हेड मिस्ट्रेस को भी मार देती है और दूसरी तरफ काउंसलर भी मर चुकी थी। मरने से पहले यूरान केजोई से कहती है कि चलो अब हम घर चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। ये कहते ही यूरान भी मर जाती है। मूवी के लास्ट में हम उन दोनों को उनकी सीक्रेट जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा खुशियां नहीं मिली पर वो मरने के बाद एक दूसरे के साथ खुश रह सकी जो वो हमेशा से चाहती थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 स्टार्स है और ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन।